अनैतिक संबंधों के चलते रविवार की देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। यह घटना वल्ली स्थित WCL कॉलोनी की बताई जा रही है। इस घटना से पूरी कॉलोनी में खलबली मच गई है, जबकि हत्या करने के बाद आरोपियों ने खापरखेड़ा थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया। खापरखेड़ा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना में मृतक मोहम्मद अयाज उर्फ छुट्टन इसराइल सिद्दीकी या आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। इस मामले के आरोपी महबूब अली उर्फ टिन्नू सलीम सिद्दीकी और इरफान नियामुल हसन खान और मृतक तीनों वल्ली के रहवासी हैं और अच्छे मित्र भी थे। कुछ दिनों से मृतक अयाज की बुरी नजर आरोपी महबूब अली के घर की महिलाओं पर थी, जिसके कारण इनमें आए दिन में विवाद होते रहते थे। रविवार की रात करीब 8 बजे के आसपास दोनों आरोपियों ने अयाज को अकेले में सुनसान जगह पर बुलाकर उसे चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को कब्रिस्तान के पीछे कन्हान नदी के किनारे झोपड़ियों में फेंक कर देर रात स्वयं ही खापरखेड़ा थाने में पहुंचकर पुलिस को अयाज की हत्या करने की बात कबूली। ये सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत लाश ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी देर खोजबीन करने के बावजूद पुलिस को मृतक का शव नहीं मिला। इसके बाद आरोपियों को लेकर पुलिस ने अयाज का शव बरामद कर लिया। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा गया, जबकि खापरखेड़ा पुलिस के लिए भी आश्चर्यजनक बात थी कि हत्या कर आरोपियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया।